महेश्वर थाना अंतर्गत रात को जामघाट पर दो चार पहिया वाहन को सड़क पर पत्थर बिछाकर रोकने का प्रयास कर वाहनों पर पत्थर फेंके, लेकिन लोगों की सूझबूझ के कारण इन पत्थरों के ऊपर से वाहन निकालकर भागने में सफल हो पाए। पत्थरों के ऊपर से वाहन निकालने के कारण कार का टायर पूरी तरह से फट गया। हालांकि कार चालक के परिवार को कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना के बाद पुलिस ने कुछ बदमाशों को गिरफ्तार किया है। टीआई जगदीश गोयल ने बताया कि रात करीब 11 बजे जाम गेट से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर मोड़ में पूरी सड़क पर बड़े बड़े पत्थर जमा रखे थे और वाहन को रोककर अवैध रूप से वसूली कर रहे थे। इसकी शिकायत पर आरोपितों की तलाश की गई। इसमें 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपी जिस वाहन के साथ गिरफ्तार हुए हैं उस वाहन की जांच की जा रही है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। गाड़ी भी पकड़ी है, उसमें आरोपी भी सर इसमें गिरफ्तार हुए। क्या मामला सर? रात में जाम गेट पर 4 लोगों ने मिलकर के रास्ते पे पत्थर अड़ा करके लोगों को रोक करके अवैध वसूली करने का प्रयास किया था, जिनकी रिपोर्ट पर हमने अपराध पंजीबद्ध करके और नाकाबंदी करके चारों को पकड़ लिया है। उनको न्यायालय पेश करेंगे। क्या किस प्रकार सर घटना को अंजाम दे रहे? ये इन्होंने रास्ते में पत्थर लगा दिए थे, फिर लोगों की गाड़ियां रोक रहे थे और उनसे अवैध रूप से पैसा की मांग कर रहे थे। कौन कौन आरोपी? इसमें 4 आरोपी है जिनके अभी पूछताछ जारी है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।